यूपी पुलिस की गुंडागर्दी के चर्चे आम हैं। अक्सर इनकी हरकतों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इस बार रोडवेज बस चालक को कालपी में तैनात एक होमगार्ड के सिपाही ने इस कदर डंडा मारा कि बस चालक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। चालक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। मामला जालौन कालपी का है। जब सोमवार को कानपुर से झांसी की ओर जा रही रोडवेज बस कालपी पहुंची, तो चालक बस स्टॉप ना होने के कारण रोड के किनारे ही महिला सवारी को उतारने लगा। लेकिन इतने में ही एक होमगार्ड सिपाही ने बस चालक को बेरहमी के साथ डंडा मार दिया, जो कि चालक की नाक पर जा लगा। डंडे की चोट से चालक की नाक से खून बहने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। रोडवेज बस चालक धर्मेंद्र सिंह का जुर्म सिर्फ इतना ही था कि वह सड़क किनारे बस खड़ी करके सवारी उतार रहा था। फिलहाल मामला कोतवाली कालपी पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी होमगार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला ये हुआ, सवारी उतार रहे थे हम लोग स्टैंड पे, तो होमगार्ड वाले आए, उन्होंने ये कहा कि गाड़ी हटाओ यहाँ से। तो मतलब इन्होंने कहा बस एक मिनट में हम हटा रहे गाड़ी, बस इतने में उन्होंने डंडा मार दिया मुँह में गला, जिससे उनके नाक फट गई और एक स्ट्रेच आया। धर्मेंद्र, एक लेडीज उतर रही थी ना, इधर से पुलिस वाला आया ना, उसको बोला कि बड़ा क्यों नहीं रहा, तो डंडा मारा तो उसको एकदम अचानक ब्लेड आने लगा। अच्छा, खून वगैरह आ गया था ना? खून आ रहा था, बस इतनी सी बात थी। बस इतनी बात हुई ना, ड्राइवर फिर पुलिस स्टेशन गया। अच्छा, पुलिस वाले नहीं ले गए अस्पताल? हाँ, ये तो चार जन थे तो कुछ नहीं बोले। गंभीर चोट के बाद घायल हुए चालक को अस्पताल ले जाया गया, जिसका इलाज किया गया। डॉक्टर ने बताया कि मुंह में डंडा लगने से उसे चोट लगी है, लेकिन इलाज के बाद वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। ये धर्मेंद्र सन ऑफ गोविंद सिंह, विलेज खैलार, डिस्ट्रिक्ट झांसी करके आए हैं। तो इनको दो चोट हैं, जो राइट साइड की नाक में, बाहरी रीजन में, थ्रू एंड थ्रू, लगभग आधा सेंटीमीटर का लेसरेटेड वुंड है, और उसके जस्ट नीचे दाहिने नथुने के नीचे आधा सेंटीमीटर के लगभग का मसल डीप एक लेसरेटेड वुंड है, फ्रेश ब्लड प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने उसका जो ऊपर का नाक में जो घाव है उसको एक टांका लगाया है, ड्रेसिंग करी गई है, और टेटनस का इंजेक्शन जो फर्स्ट एड में हो रहा है, एंटीबायोटिक और पेनक्रियर ये सब दिया जा रहा है। इस चौराहे पर खाकी वर्दी वालों के द्वारा मारपीट के ऐसे मामले आए दिन होते रहते हैं। खाकी का खेल देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी लोगों का आरोप है कि सड़क न बन पाने की वजह से आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस पर वर्दी वालों के रौब से भी जनता दुखी है। कल यहाँ से हम निकल रहे थे, यहाँ पे खड़े हुए थे फ्लैट में, हमसे होमगार्ड वाला बोलने लगा, यहाँ से क्यों खड़े हो? हमने सब जा रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे थे, बोले यहाँ मरने के लिए खड़ा है। पर मैंने इतनी बात की, हमें सब कैदे से बात करिए, बस मेरे छूट गिरवान पकड़ के मुझे मारने लगा, और उसके बाद में बस मैं मोटरसाइकिल लेट चला गया, मैं क्या करता। हमको यहाँ पर एक जो है रोडवेज बस निकल के जा रही थी, अपनी रोडवेज से वो सवारी नीचे उतार रही, लेडीज सवारी, कुछ पुलिस वाले यहाँ पर होमगार्ड लगाते हैं उन्होंने बस वाले को डंडा मारा, उनके नाक से खून आ गया। मतलब ये सब गुंडियाई चल रही है पुलिस की, यहाँ पे रोडवेज वालों को मार रहे हैं, कभी तांगे वाले को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं, रोज होता है, रोज चार पांच केस होते हैं। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके सिपाही वर्दी को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिर वर्दी वालों को यह बात कब समझ आएगी कि वह जनता की सुरक्षा के लिए हैं, उनमें दहशत फैलाने के लिए नहीं। न्यूज़ बीके के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।